सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा में राष्ट्रीय स्वयं संघ की ओर से अपना 92वां स्थापना दिवस राजपुरा के बालपुरी पार्क में मनाया गया। इस स्थापना दिवस के मौके पर श्री मनमोहन कृष्ण जी जिला बौद्धिक प्रमुख ने आए हुए सभी स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा संघ का काम समाज को इकट्ठा करना है जिसमें किसी भी जाति का भेदभाव नहीं होता। संघ का काम भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है और यह कार्य तभी पूरा हो सकता है जब सारा समाज इकट्ठा होगा। इस मौके पर स्वयं संघ की ओर से राजपुरा शहर में एक पैदल मार्च भी निकाला गया जिसमें कई सामाजिक लोगों ने इसमें भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 92वां वर्ष असीं पूरे देश के अंदर मना रहे ने। विजय दशमी के दिन 1925 के अंदर संघ की स्थापना हुई सी। उस दे निमित्त पूरे देश के अंदर हर नगर के अंदर हर खंड के अंदर इसके कार्यक्रम सी। देश के अंदर लगभग 55,000 स्थानों के अंदर शाखाएं चल रहे ने। पटियाला के अंदर 42 स्थानों के अंदर शाखाएं चल रहे ने। राजपुरा के अंदर 4 स्थानों तो इस प्रकार की शाखा चल रही है। आज ये संघ है, आज के स्थापना दिवस है संघ का और ये 1925 में दशहरे के दिन ये हमारी स्थापना हुई थी और उसी के उपलक्ष में ये उत्सव मनाया जाता है। ये सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट उत्सव है हमारे लिए और इससे रोड कर संघ के और व्यक्ति निर्माण ही संघ का काम है। विजयदशमी के वाले दिन संघ की स्थापना हुई थी और यहाँ पे सब इकट्ठे होके अपना शस्त्र पूजा का कार्यक्रम करते हैं। जो सन 1925 में डॉक्टर केशवराव बलिराम जी हेडगेवार जी ने समाज की दुर्दशा को देखकर, देश की दुर्दशा को देखकर, उनको लगा कि समाज में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो देश और समाज के बारे में सोचे। तो सन 1925 के अंदर नागपुर के अंदर डॉक्टर साहब ने 11 छोटे छोटे बाल स्वयं सेवकों को लेकर एक संगठन की स्थापना की जिसको आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। आज इसका ये 92वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है और देश विदेश में संघ के सहयोगी लगभग 52 संगठन आज देश में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन दिनेश सचदेवा न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।